warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. And you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Time हो रहा है 8:40 और ठंड इतनी ज़्यादा है ना आज भी. But यार सुबह सुबह ride करके बहुत मज़ा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से. और अभी ये व्लॉग यहाँ शुरू नहीं कर रहे, आगे कहीं रुक के अच्छी सी जगह पे स्टार्ट करते हैं वीडियो. किस बारे में वीडियो, सब कुछ तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा. चलो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. एंड इस टाइम मेरे जस्ट पीछे खड़ी है BS6 RS 200. तो इसको अभी चला के देखेंगे और देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है इंजन में और नॉर्म्स की वजह से क्या पावर ड्रॉप फील होने वाली है या कुछ ऐसा लगने वाला है कि यार पावर कम हो गई है बाइक में पहले से. एंड बाय द वे, ये कलर वीडियो में तो थोड़ा अलग दिख रहा था बट रियल में काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऑल दो वाइट रिम्स थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकते हैं जब भी बाइक का चेन लूप होगा या थोड़ा सा जब एजिंग होगी बेसिकली, तो वाइट रिम्स देखते हैं ब्लैक ना हो जाए. चलो दिखाता हूँ बाइक आपको. तो ये है BS6 RS 200 और सबसे जो मेन चेंज आप देखोगे वो ये कॉस्मेटिक चेंज ही है बेसिकली. तो जो फ्रेम पहले ब्लैक हुआ करता था, ग्रे हुआ करता था, वाइट हो गया है और ये एक्चुअली नया कलर लॉन्च किया उन्होंने थोड़ा सा और अपील करने के लिए. बट मुझे लगता है थोड़े और अपग्रेड्स चाहिए थे आरएस को, तो वो डेफिनेटली बजाज को कुछ ना कुछ करना चाहिए था चेंज. तो आप रिम्स देख सकते हो वाइट हो गया है, पीछे वाला भी आगे वाला भी इनफैक्ट. तो जब ये गंदा होगा तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली इसको साफ़ रखने में, और स्पेशली जब चेन लूप होगा ना तब तो पूरे इस पर निशान बनेंगे. जैसे मेरी ऑरेंज रिम है वो इतने प्रॉब्लम करते हैं, तो वाइट भी मुझे लगता है उसी लेवल का प्रॉब्लम करने वाले हैं. उसके बाद ये ग्राफिक्स जब फर्स्ट टाइम देखी थी वीडियो में, मतलब फ़ोटो में बेसिकली, तो उतनी सही नहीं लग रही थी, बट इस टाइम रियल टाइम में ये काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में. और यहाँ पर आपको मैट मिल जाएगा, मैट ब्लैक, और ये सिल्वर वही वाला है जो ग्राफाइट ब्लैक वाले कलर में आता था. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है बैजिंग में पल्सर की, और थोड़ी सी अलग सी इस बार है, मतलब दो टोन में दिख रहा है ब्लैक, उसके ऊपर सिल्वर से लिखा हुआ है. और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बहुत मेजर चेंज है. तो अभी बाइक चला के देखते हैं कि कैसी फील हो रही है. ऑल्दो अभी इसका ब्रेकिंग नहीं हुआ है तो बहुत तेज़ नहीं जाएंगे, आराम से ही चलाने वाले हैं. और चलो टेस्ट करके देखते हैं. तो अभी तो खैर बाइक नई है तो इतनी जल्दी इसको जज करना थोड़ा सा अनफेयर होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 6000 RPM के बाद जो मेरी BS3 RS लिटरली धाड़ती थी, मतलब एकदम ऐसा लगता था कि पागल सी हो रही है, तो थोड़ा सा वो वाला नेचर कम लग रहा है गाड़ी का मुझे. थोड़ा सा एकदम हल्का सा भगा के देखते हैं. तो फिलहाल तो यही फील हो रहा है कि बाइक उतना खुल के नहीं भाग रही है, बट खैर इतनी जल्दी जज भी नहीं कर सकते यार, क्योंकि अभी इंजन एकदम नया है. तो थोड़ा जब इंजन खुल जाएगा इसका तब प्रॉपर पता चलेगा कि बाइक भाग रही है कि नहीं भाग रही है. और मुझे लगता है भागेगी, इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. टनल गजब. साउंड तो मुझे लगता है RS का जो एग्जॉस्ट नोट है वो बेस्ट है 200 CC कैटेगरी में. और एक जगह आपको राइट साइड रोकते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं इसको रोक के कि एग्जॉस्ट साउंड कैसा है इसका. कुछ चेंज तो नहीं लग रहा है एग्जॉस्ट में, थोड़ा सा स्लो लग रहा है पहले से. अब इतने फिल्टर्स ऐड हो गए हैं, बेचारी गाड़ियाँ एक्सहेल नहीं कर पा रही हैं. गवर्नमेंट कर रही है तो इसलिए कर रही है जिससे हम लोग सांस ले पाए आगे चल के, बिकॉज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है. तो चलो देखो, आवाज़ सुनो. बढ़िया, आवाज़ आपने सुन ली. मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा चेंज किया है, एक स्मार्ट मूव.
बजाज ने क्या किया कि पूरा ही ब्लैक कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सोचा गाड़ी से जो भी रेजिड्यू निकलता है एग्जॉस्ट से तो वो हर जगह पड़ता है, तो इससे अच्छा है पूरा ही ब्लैक कर दो सेफ साइड होने के लिए। उन्होंने सब कुछ ब्लैक कर दिया। इनफैक्ट ये जो पार्ट्स थे ये भी सिल्वर थे पहले, वो भी ब्लैक है, तो ये तो यार काफ़ी अच्छा टच लग रहा है। और इनफैक्ट ये ब्लैक में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मेरी तो सिल्वर है आरएस। और कुछ तो चेंज नहीं किया है, थोड़ी सी प्लास्टिक की क्वालिटी शायद बेटर करी है। और यहाँ पे फोक्स कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, स्पीडोमीटर डिजिटल एनालॉग, वो तो सब पहले जैसा ही लग रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ टेस्ट करनी है, ये क्या डुअल चैनल एबीएस के साथ आ गई है क्या आरएस? क्योंकि मुझे इतना अभी आइडिया नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, मैं शोरूम भी नहीं गया उसके, तो टेस्ट कर लेते हैं ब्रेक मार के। हाँ तो बेसिकली ये आरएस डुअल चैनल एबीएस के साथ है, और समझ लो ऐसे ही पता करते हैं भाई हम लोग तो कि डुअल चैनल है सिंगल चैनल है। कोई स्पेक्स नहीं देखनी। स्पेक्स से याद है बाय द वे इसके पावर फिगर्स में कोई चेंज नहीं आया है, 24 बीएचपी की बाइक है, 24 पॉइंट समथिंग, तो पावर फिगर्स सेम रखे हैं बजाज ने BS6 बाइक में भी अपनी। और मुझे लगता है आरएस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर लेनी है आपको, आरएस से अच्छा 200cc में कोई ऑप्शन नहीं आपके लिए। चल तो बढ़िया रही है यार गाड़ी, नो डाउट बहुत ही अच्छा चल रही है और चलाने में मज़ा भी आ रही है। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स व्रेक्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, ब्रेक्स वही सब सेम है। एंड एक्चुअली में ब्रेक्स आरएस की अच्छी होती हैं, इनिशियली जब आप लेते हो टाइम के साथ वो धीरे धीरे बेकार हो जाती हैं, जैसे मेरी हो गई है, तो वो सब थोड़ा देख के। ऑल दो अगर आप R15 लोगे तो R15 की ब्रेक्स काफ़ी टाइम तक ज़्यादा सही रहती हैं, क्योंकि यार थोड़ा क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देती है, मतलब यमहा बेसिकली, बट बजाज है अपना इंडियन। सो ये थी BS6 RS 200, एंड आई होप जो था वो मैंने कवर कर लिया होगा, उतने पॉइंट्स कवर किए होंगे। और वहाँ पे ABS की ब्रांडिंग मिलेगी जहाँ पहले मिलती। एक नई चीज़ भी दिख रही है कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया है, पहले RS में नहीं था, ना BS4 में था, ना BS3 में था, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा नॉर्म्स के तहत है, ये कंपलसरी टाइप का कुछ सीन है इसका। और बस इस वीडियो को एंड करते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या लगती है, RS का जो सारी गार्ड है उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सेटल है गाड़ी में, एकदम पता नहीं चलता है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले पर फॉलो कर सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।